वक्त की बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, सोनिया गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा शरद पवार मौजूद हैं, सीताराम येचुरी मौजूद हैं, डी राजा भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं लेकिन ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बना ली है। यह बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। और यह बैठक जो है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर यह बैठक चल रही है। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो चल रही है। बैठक अब समाप्त की ओर है। अब से कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे। बड़ी बात ये है कि जो चुनाव है हुए हैं उनकी समीक्षा के लिए, और 4 जून को जब परिणाम आएंगे उस दिन आखिर कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, कैसे आगे की तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी है, उसके लिए विपक्ष के तमाम ये बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा समय में इस बात पर चिंतन किया गया कि आपस में जो डेटा है इन सभी दलों ने वो शेयर किया कि अंततः इंडिया गठबंधन कितनी सीटों के आसपास पहुंचा है। अगर बहुमत मिलता है गठबंधन को तब फिर 4 तारीख के बाद कैसे आगे बढ़ा जाएगा, अगर कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो किस नाम को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से दलों से बात की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी बीती कई बैठकों से शामिल नहीं हुई, आज भी उन्होंने यह कहा कि चुनावी व्यवस्था है इसके चलते वो शामिल नहीं हो पाई। तमिलनाडु की जो सीएम है स्टालिन वो भी शामिल नहीं हो पाए, उनकी तरफ से तर्क यह दिया गया कि टीआर बालू शामिल हो रहे हैं। कल चुके अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है, उनको जमानत अवधि खत्म हो रही है, इसलिए आज का दिन चुना गया था। और आप मेरे पीछे देखे तो लगभग ज्वाइंट स्टेटमेंट की तैयारियां पूरी हो गई हैं, बैठक समाप्त की ओर है। और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस ने आज पूरे तौर से कोशिश ये की है कि 4 जून को जिस तरीके के परिणाम आए उस हिसाब से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इंडिया अलायंस के पास हो, ताकि उस दिन जो वेटेज हर बार या जो गलतियां कांग्रेस पार्टी से या गठबंधन से होती रही है वो ना दोहराई जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। आइए देखते हैं टॉप 20।